नमस्कार, पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हुरम फातिमा। पॉइंट टू पॉइंट में जो आज खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए सीधे स्वागत करना चाहेंगे हम रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल जी का, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। थैंक यू मैम। राजनीति में आने का आपका विचार था नहीं, लेकिन आपने अब कदम रख लिया है राजनीति में, क्या सोचकर? पहले तो हम आर्मी में ही थे, तो कोई 27 इयर्स मैंने सर्विस करी है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने से पहले। क्या हुआ कि 2013 में पोस्टिंग जब मैं आया उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, तो उस टाइम पे ना पहली बार हमारा सिविल समाज से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। अब डिजास्टर आना नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक की जब मेरी पोस्टिंग आई अप्रैल 2013 में, एक महीने के बाद केदारनाथ फेमस ट्रेजिडी जो थी वो हो गई। क्योंकि हमारा उसमें एक्टिव रोल रहा, तो हमारा कई लोगों से इंटरेक्शन होता गया। उसी में कई यूथ आए, तो उनका फिर हमने जैसे यूथ फाउंडेशन एक ट्रस्ट बनाई भर्ती करने के लिए इंडियन आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। अब ये सब चीज़ें देखते हुए मेरे को लगा कि अगर हम ये काम कर सकते हैं जो एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुके हैं, तो शायद राजनीति में आकर के इसको हम 10 गुना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो सोच करके कई बार सोचते थे, कई बार कुछ और प्लान बनते थे। फाइनली परसों हमने प्लंज ले लिया है एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके। अच्छा, हालांकि आपके पास ऑप्शंस बहुत थे, आप अगर किसी राष्ट्रीय दल में भी जाना चाहते तो आपका हर कोई स्वागत करता, बहुत सारे विकल्प आपके पास थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्यों चुना आपने? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहीं देहरादून का पढ़ा हुआ हूँ, तब तो उत्तराखंड बना भी नहीं था, तो वही सब हैं आज जो यहाँ के अच्छे पॉलिटिशियंस माने जाते हैं अलग अलग पार्टी में, जो हमारे साथ पढ़ते थे। कोई हमसे जूनियर है, कोई हमसे कोई 2-3 क्लास सीनियर होंगे। पर मेरे को ना कई चीज़, क्योंकि बचपन से पॉलिटिकल फील्ड में नहीं रहा हूँ, फौजी इन्वायरमेंट में मेरा एक्चुअल जो बोलते हैं एक यूथ का जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, डेवलपमेंट होता है इंटरनल, वो उस इन्वायरमेंट में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ना हम वो नमस्ते प्लीज़ उन चीज़ों के लिए कि मेरे को एक्सेप्ट करो, वो चीज़ें शायद कहीं हमें लगता था कि नहीं आ पाती हैं। उदाहरण के लिए बोलूँगा, किसी ने मेरे को कहा था कि टिकट लेने के लिए तो आपको एक कमरा परमानेंट दिल्ली में रखना पड़ेगा अपने लिए, तो मेरी तो समझ में नहीं आया ये क्या होता है। वो कहते हैं आपने जब तक गुलदस्ते नहीं दोगे, जब तक रोज़ मिलोगे नहीं, तो कैसे होगा। अब वो हमारे क्योंकि फितरत में नहीं था, तो शायद इसलिए हम नेशनल पार्टी की तरफ जानते हुए भी, क्लोज रहते हुए भी, और ख़ासकर केदारनाथ में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ही काम कराए हैं, उनके साथ काम करने के बाद भी हमें लगा कि एक ये वाली जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसमें इंडिपेंडेंस है, इसमें एक गवर्नेंस का एक तरीका है। क्योंकि आज जो इनके हेड हैं वो खुद ही सब पढ़े लिखे लोग, अरविंद केजरीवाल सर हैं, खुद IIT रुड़की के हैं, चैरिटी में उन्होंने सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनाइजेशन होती है मदर टेरेसा की, वहाँ पे उन्होंने सोशल वर्क करा है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में गए हैं। तो जब गवर्नेंस का मॉडल किसी पार्टी को आता है और वो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक्टिव, तो वहाँ पे ना ये सावधान विश्राम प्लीज वाला इतना नहीं होता, वहाँ वर्क इन्वायरमेंट कल्चर होता है जो कि एक्चुअल तरीका होना चाहिए आज एक सक्सेसफुल किसी भी राज्य को चलने का, किसी भी स्टेट को चलने का, देश को चलने का। जी, तो ये रीजन रहा था। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव की 2019 की बात करें, वहां पे एंड टाइम तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि आप BJP ज्वाइन करने जा रहे हैं, और बात यहां तक भी पहुंच चुकी थी कि सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं, वहां क्यों बात अटकी? हम जब यहां पे आए तो हमको ना, जब हमने ये सोशल वर्क करने शुरू करे, तो हमको ऑब्वियसली कई जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होते हैं, अभी एकदम से नाम तो खैर क्या लेना, पर मतलब ये सब ऑब्वियस समझ में आता है, उन्होंने हमको अप्रोच करा। उनको लगा कि हम अच्छे काम करने वाले हैं, हमें भी लगा वो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यही देख करके कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए अगर इस फील्ड में आना है कि इलेक्शन लड़ करके हम उसको और बढ़ा सकें, तो हमने काफ़ी हद तक तैयारी करनी शुरू करी थी। हम पौड़ी विधानसभा से लड़ने का हमारा 2019 में एक जो बोलते हैं कि एक माहौल बन रहा था, एक्टिविटी जो हमारी बढ़ रही थी वो सब चल रहा था, पर लास्ट में ना फिर हमें वही लगा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें एक कमरा लेना पड़ता दिल्ली में, और एक महीने वहाँ रह करके थोड़ा वो करना पड़ता, तो लास्ट स्टेज में हमने फिर अपना स्टेप वापस ले लिया और हम नहीं लड़े ले। और उस टाइम आपको लगा कि अभी राजनीति में आने में थोड़ा सा और इंतजार बाकी है? इंतजार बाकी नहीं, उस टाइम पे हमें ये लगा कि ठीक है, अगर राजनीति में नहीं आए कोई बात नहीं, 2-3 महीने हमने थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्शन करा, उसके बाद फिर हम म्यांमार चले गए, बर्मा चले गए, वहाँ पे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए। उसके बाद तो फिर कोविड ही आ गया था, इन्वायरमेंट जो था कोविड का, पर वो पिछले 1.5 साल से मैं फिर वही म्यांमार बर्मा में था। तो जिस तरीके से केदारनाथ का एक सक्सेसफुल मॉडल उत्तराखंड के यूथ ने
हमको बनाने का तरीका सिखाया जिसके हम लीडर बने हुए थे, वैसे फिर हम म्यांमार में जाकर के एक और सक्सेसफुल मॉडल बनाने की कोशिश करते रहे जिससे कि यहाँ का रोज़गार का जरिया मैं बढ़ा सकूँ और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में बना सकूँ। तो उसमें फिर बिजी था और नशा होता है काम करने के, में अगर आदमी को मज़ा आना शुरू हो जाए तो फिर ना वो देखता है इलेक्शन लड़ने के बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बैठ करके भी मैं यही चीज़ें देखूंगा कि उत्तराखंड की तरक्की कैसे होगी, रोज़गार कैसे बढ़ेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरी कैसे होंगी। वो मेरे को उस टाइम पे म्यांमार में दिखना शुरू हुआ, बर्मा में दिखना शुरू हुआ, तो बस वहीं पे इन्वॉल्व हो गए थे फिर। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने से पहले आपने उस दौरान इस बात का जिक्र किया था कि आपका मन बहुत विचलित था, फिर आपने परिवार से विचार विमर्श किया और आप फिर गंगा जी में डुबकी लगा कर आए। आपने कहा मन की शंका उस समय दूर हुई, तो ये शंका किस बात को लेकर थी? राजनीति में आने को लेकर शंका थी या किस पार्टी में जा रहे हैं उसको लेकर शंका थी? ये शंका उस चीज में थी, पहले तो ना जब अगर एक अच्छा बॉक्सर है वो पूरी तैयारी करता है साल भर की, वो इतनी कैपेबिलिटी लाता है कि वजन कम करने के लिए एक घंटे में वो 3 किलो वजन कम करता है, और जैसे बॉक्सिंग फील्ड में जाता है उस टाइम पे ना उसे एकदम से 3 किलो वजन बढ़ाना भी पड़ता है। ये मेथड्स हैं अपने को प्रिपेयर करने के, लेकिन जब वो अंदर घुसता है ना फील्ड में, जब सामने रेड और ब्लू खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उसे बोलते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक, अगर वो नहीं है ना तो फिर वो जीत नहीं सकता। तो हमको भी इस चीज़ की नहीं थी कि क्या शंका की पार्टी है या क्या है, हमको इस चीज़ की शंका थी। आज मैं एक स्टेप ले रहा हूँ, मेरे को सब चीज़ें आज केदार बाबा के एनवायरनमेंट में रह करके सीखने को मौका मिला है, मेरे को समझ में आया यूथ की स्ट्रेंथ क्या है, महिलाओं ने कैसे आज एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है पहाड़ों में, एक्स सर्विस मैन ने कैसे आज एक्स सर्विस मैन एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कैसे आज चीज़ें कर रखी हैं, क्योंकि ये सब मैंने देखा इनका मिक्स एमलगेमेशन केदारनाथ रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे। तो मेरे को ये था कि इतनी सारी काबिलियतें जो मेरे को सीखने में मिली हैं, क्या उसके बाद जो मेरी आंखों में आंख देख करके आज एक युवा देखता है मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, वो शंका थी। इसलिए गंगा मैया को जय गंगा मैया करने गए, डुबकी लगाई, नींद आई गाड़ी में, सो करके आए वापस, और रात को मतलब शाम के टाइम पे जब यहाँ पहुँचे तो टोटली रिलैक्स थे। आपने सैनिकों का जिक्र किया और उत्तराखंड को जवानों की भूमि कहा जाता है, और हमने अभी तक राजनीति में भी ये देखा कि सैनिकों के वोट के लिए चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की बात करें उन्होंने मौका दिया। आप चाहे जनरल खंडूड़ी की बात करें या आप जनरल टीपीएस रावत की बात करें, क्या आम आदमी पार्टी ने भी यही सोचकर आपको आगे किया है? हमारे काफी डिस्कशन हुए क्योंकि मैं भी समझना चाहता था कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से सोचती है, ग्राउंड पे अगर कोई चीज़ बोलते हैं हम कि इसको इम्प्लीमेंट करना है तो वो किस तरीके से ना वो डिसीजन मेकिंग होती है। तो 3-4 महीने मेरे काफ़ी इंटरेक्शन हुए हैं केजरीवाल सर से, तो इनफैक्ट लास्ट में हुआ है, पहले मैं टीम आम आदमी पार्टी उनके साथ में अलग अलग टाइप के लोगों के साथ अपने साथ अलग अलग टाइप के लोगों को ले जा करके जो मेरे इंटरेक्शन हुए उसमें मेरे को भी ये लगा कि क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है आज हमारे अंदर वो जज्बा तो है कि 52 साल की उम्र है अभी बची हुई, जितनी भी हमारी उम्र बची हुई है उसमें हमने कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करनी है जो हमें लगता है कि हम उत्तराखंड के लिए अच्छा कर सकते हैं। शादीशुदा हम हैं नहीं, हमारे पेरेंट्स जो हैं फादर हमारे हैं, हमारे घर वाले हैं, सब कहते हैं कि बेटे क्या नौकरी और करनी है तेरे को, क्या तेरे को अब क्या कोई घर बनाना है, जो तू काम कर रहा है उसके लिए तो तू घर के बाहर जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, तेरे पास एक्सपीरियंस है जानकारी है उसको तो इन्वॉल्व कर। तो हमको इस तरीके से ही कहीं आम आदमी पार्टी ने भी देखा, हमने आम आदमी पार्टी को इस तरीके से ही देखा और उसका एक मिक्स बन गया जिसको परसों मैं देख रहा था, कह रहे थे अल्फा किलो प्लस अल्फा किलो एके प्लस एके। जी अच्छा, एक और बात ये कि मतलब आम आदमी पार्टी का विजन क्या है उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि अभी उसी दिन जिस दिन आपका जब आपने सदस्यता ग्रहण करी थी तब हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना था, उन्होंने जिक्र किया था जो हमेशा से हम बहुत सालों से सुनते आए हैं कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी कभी यहाँ के काम नहीं आई है, कोई बहुत नई बात नहीं थी, ये बातें हम सुन रहे हैं और हमेशा भरोसा दिलाया जा रहा है कि इसमें बदलाव होगा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि ये बदलेगा, विजन क्या है उत्तराखंड को लेकर? नहीं, आप सही कह रहे हैं, उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड की जवानी, ये तो ना एक कोई बहुत होशियार आदमी ने इतनी लंबी पूरा जो एजेंडा होता है उसे 2 लाइन में कंप्लीट करके बता दिया उस कवि ने, उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड की जवानी। लेकिन इसकी कोई परिभाषा तो होगी और बड़ी सिंपल सी है कि जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ, जब लोगों ने
ये उम्मीद करी कि अगर ये यूपी से हट करके और एक सेपरेट स्टेट बनता है तो शायद यहाँ पे ना जो चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी और एक आदर्श एक समाज बनेगा, उसकी जो डेफिनेशन है वही वाली डेफिनेशन है आज उत्तराखंड का पानी और जवानी जो हमने यहाँ पे बनानी है। इसमें कुछ नहीं है, 20 साल में अगर चीज़ें नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोसते ही रहे अब सिस्टम को। हम जरूर पुराने जो गलतियाँ कर रखी हैं सरकारों ने उसका इंट्रोस्पेक्शन करें, उससे हम समझें, और उसके बाद में क्या है, जहाँ पे हिमालय है सबसे फेमस, जहाँ पे गंगा मैया है, उसकी ना आवाज़ सुन करके ही लोग कहते हैं कि उनको सुकून मिल जाता है। वो फेमस बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जब वो लॉयर को, फेमस लॉयर इंग्लैंड का, जब उसको हार्ट अटैक हुआ था तो हिमालय में आके रहा था। एक साल के बाद कहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री का इंग्लैंड में सबसे स्मार्ट जो कैरेक्टर्स होते थे वो उस तरीके से दिखता था। तो अगर यहाँ पे ना वो वाली ताकतें हैं तो उसमें हमें ज़रूरत क्या है। कहीं जो लोग ऊपर से नीचे पलायन कर रहे हैं, खाली हेल्थ एजुकेशन ही नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। आज पानी वाकई में, पानी और जवानी जो है, पानी वाकई में आज डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं सब जगह, वो हमें क्यों नहीं यहाँ पे एक पोर्टेबल वाटर की जो चीज़ है वो एक मौलिक अधिकार की तरह मिल सके, यहाँ पे क्यों नहीं अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम हो सके। फ्री वाला कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन अगर कोई गवर्नेंस ऐसा मॉडल बना सके कि फ्री में दे सकती है और वो गवर्नमेंट भी चल रही है तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन का हब होता था उत्तराखंड, देहरादून, नैनीताल, यहाँ पे जितने अच्छे विद्यापीठ हैं, यहाँ पे जितने गुरुओं ने शिक्षाएं ली हैं सब यहाँ ली हैं। आज हम कहते हैं कि मेरे लड़के को तो पहाड़ में पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं कैसे किसी जगह जा कर के एक छोटा सा कोई ज़मीन का टुकड़ा लूँ और वहाँ जा कर के प्लेन में अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। मेरे को आज दिखता है कि जो औरतें हैं इतनी स्ट्रांग हैं ऊपर कि वो ना बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी मेडिकल सपोर्ट के उस प्रसव को सहन कर सकती हैं और बच्चा जो पैदा होता है वो एक अच्छी भावना के साथ बगैर किसी घबराए वो कर सकती है। खाली ज़रूरत है एक छोटी सी दाई माँ की जो सपोर्ट करे। आज हम दाई माँ भी सपोर्ट नहीं करवा पा रहे और उसके बाद क्या होता है, वो बेचारी औरत ना मर जाती है, लड़की पैदा होती है और फिर कोसा जाता है उसको। ये तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी माँ के साथ होना था जब मैं पैदा हुआ था, या मेरी भाई की वाइफ है उसने जब जन्म दिया बच्चों को तो मेरे को तो पक्का है कि उसको तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलना ही चाहिए था। बहुत बेसिक है ये तो, यहाँ तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल ही नहीं हो पा रही। औरतें पहाड़ों में चढ़ रही है, बेचारी गिर जा रही है, कहते हैं क्यों चढ़ी, चढ़ी क्यों नहीं, वो तो मतलब उसकी रोजी रोटी है, उसने वो काटनी है घास, वहाँ पे डंगरों को चराना है, बच्चे को पालना है, बच्चे को एक कोशिश करनी है अपनी जितनी जानकारी है उससे एक अच्छा एनवायरनमेंट देना। आज हम नहीं दे पा रहे हैं अगर, तो हमें तो ज़रूर लड़ने की ज़रूरत है, लेके आने की ज़रूरत है ऐसे मॉडल्स को जो इसको कामयाब बना सके। और सीएम केजरीवाल ने एक और बात का जिक्र किया था कि एक उत्तराखंड यहाँ है और एक उत्तराखंड दिल्ली में बसता है, तो क्या मतलब दिल्ली मॉडल का ही एक मॉडल है उत्तराखंड में जो आप लोग विजन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा अलग हैं दोनों जगहों की? नहीं, भौगोलिक परिस्थिति का तो मैं बोलूंगा, जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है पहाड़ों में तो दिल्ली में ठंड हो जाती है, तो भौगोलिक परिस्थिति है। मैं बोलूंगा नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो फेमस हमारे अच्छे एक एल्डर जो सारी चीज़ों पे अच्छे विचार देते हैं जी। मैं एक दिन उनसे मिला था अभी कुछ दिन पहले, मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था जिस दिन ज्वाइन करा था कि राही जी जो पुराने साहित्यकार फेमस होते थे, उनसे जब किसी ने पूछा कि पहाड़ियों के लिए उत्तराखंड इलाका जो है, तब तो यूपी होता था, इस इलाके के लोगों का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो कहते हैं दिल्ली। तो दिल्ली और यहाँ पे तो सब चीज़ें बिल्कुल एक ही हैं, खाली ये है कि आप यहाँ से बाहर निकलो, एक्सीलेटर पे स्पीड दो 100 किलोमीटर पर आवर चलाओ और आप देहरादून से बाहर निकले और आप दिल्ली एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल की बात, सारी फैसिलिटी सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। जब अंग्रेजों ने मसूरी को देखा, अंग्रेजों ने शिमला को एक अपना समर कैपिटल बनाया, तो कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली है, दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा, यहाँ पे पहाड़ों में लोग आएंगे दिल्ली से और आकर के एक सुकून लेकर के जाएंगे, इसे तो कैपिटल होना ही चाहिए जी। आपकी राजनीति में क्या कुछ रोल रहने जा रहा है इसको लेकर आगे हम चर्चा करेंगे, एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, तो पॉइंट टू पॉइंट में फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद पॉइंट टू पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान के तौर पर। कई सवालों के हमने जिक्र किया है, लेकिन एक सवाल हमेशा से मन में है कि मतलब अगर उत्तराखंड की बात की जाए,
बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रहे हैं, हालांकि यहाँ की प्रदेश की जनता के पास विकल्प रहा है बतौर एक क्षेत्रीय दल यूकेडी का, जिसका आंदोलन में भी बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन हमने इन 20 सालों में सत्ता में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी को नहीं देखा, और आम आदमी पार्टी का तो फिलहाल प्रदेश में मौजूदा समय में कोई वजूद नहीं है। इसको किस तरह से मुमकिन करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि 20 साल से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे रही है। उत्तराखंड क्रांति दल तो एक मतलब मैं कहूँगा कि एक स्ट्रांग पार्टी है जिसकी विचारधारा बहुत अच्छी है, लोगों के अंदर भावना है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल को कभी भी किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए और उसको अपना एक रोल प्ले करना चाहिए उत्तराखंड की प्रोग्रेस की तरफ। इनफैक्ट यहाँ से मैं आपके इस चैनल के जरिए बोलूँगा, यूकेडी वाले कभी भी अगर चाहेंगे हमसे किसी भी तरीके की मदद, क्योंकि मैंने देखा है उनके अंदर जज्बा है, मेरे जो एक्सपीरियंस होंगे जरूर उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। साथ में है आम आदमी पार्टी, मतलब आज वजूद नहीं है का क्या होता है कि जब तक घर ऊपर बनना शुरू नहीं होता तब तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन उससे पहले अगर उसकी नींव स्ट्रांग ना हो ना, जो कभी दिखाई नहीं देती, तो पता तो चलता नहीं है उसका, लेकिन होनी बड़ी स्ट्रांग चाहिए। मेरे को तो दिख रहा है जब मैं, क्योंकि अब ये पार्टी मैंने ज्वाइन करी है और काफ़ी टाइम से मैं इनको क्लोज वॉच कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का तो एक अच्छा वजूद साइलेंट तरीके से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और नींव की फॉर्मेशन पूरी हो गई है। अब घर बनाना है, वो केजरीवाल जी सुझाव देते रहेंगे, हमारे उत्तराखंड के जो मोटिवेटेड लोग हैं, महिलाएं, यूथ हैं, जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और बहुत सारे जानकार लोग हैं, ये हम बनाएंगे घर को उसको अच्छे से। तो 2022 में नींव मजबूत करने पर काम रहेगा या इसके ऊपर इमारत खड़ी होगी? इमारतें खड़ी होनी चाहिए जी। कितनी मंजिल होनी चाहिए? 70 मंजिल की इमारत आप बता सकते हैं सर? बेहतर बोल रहा हूँ, 70 मंजिल की इमारत होनी चाहिए और उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल होना चाहिए जहाँ से कि देखा जा सके, ताकि अगली छलांग जो मारी जा सके वो खाली वो 70 मंजिल की इमारत ना हो, वो हो सके कि वाकई में इस उत्तराखंड में अब भविष्य में और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। जिसे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं उत्तराखंड का ये इलाका मिनी स्विट्जरलैंड है, किसी को बोलते हैं देवभूमि है, कई बोलते हैं यहाँ पे सबसे फेमस माउंटेन है, क्यों लोग नेपाल जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए, जबकि यहाँ पे टेक्निकल क्लाइंबिंग, यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइंबिंग, यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है एबेंडेंस भरा हुआ है पूरा, हमें तो उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है, जो आज हम अभी तो उस पर डिस्कशन भी नहीं होते। आदर्श उत्तराखंड तो तभी बोलेंगे ना उसको। तो 70 मंजिल तो कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर के स्विमिंग पूल को बनाने की प्लान करना चाहिए, 70 मंजिल तो बनी रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कर्नल कोठियाल होंगे, तो क्या आपके नेतृत्व में लड़ेगी पार्टी चुनाव? देखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब मैं था तो हम 400 कैडेट्स स्टूडेंट्स होते थे जो ऑफिसर बने, हम में से किसी ने आर्मी चीफ बनना था, लेकिन क्या है, पहले तो हम सब ने आपस में एक दूसरे की कैपेबिलिटी चेक करना शुरू करा, फिर हम अलग अलग रेजिमेंट्स में गए, मैं गया इन्फेंट्री पैदल सेना जो अटैक पे जाती है, कोई आर्मर्ड कोर पे गया जब मैं अटैक पे जाऊंगा तो पीछे से गोला करेगा टैंक फायर, कोई इंजीनियर्स पे गया कि जब मैं जा रहा हूँ तो आगे ब्रिज बनाएगा, सारे ब्रिजेस बनाने का तरीका, टैंक से पीछे से फायर करने का तरीका, राशन पानी सप्लाई की एक अलग तरीके, वो सब करने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ता हूँ और उसके बाद मैं बनता हूँ इंडियन आर्मी का चीफ। आज मैं धीरे धीरे करके ऐसी सारी टीम के साथ में आगे बढ़ता रहूँगा और उसके बाद में देखते हैं। इंडियन आर्मी का चीफ बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि वो ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कैसे बनाएं हम, बड़ी बात है आज हम संगठन कैसे यहाँ पे अच्छा सा तैयार करें, जो कि आज के यूथ, यहाँ के उत्तराखंड के लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, उसको क्रिएट कर दिया तो फिर तो हम सारे के सारे मिलकर के हीरो हो सकते हैं। और आप किस सीट से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं? सारा उत्तराखंड है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं तो लड़ेंगे और कहीं जगह जहाँ से भी लड़ेंगे उस जगह को छोड़ करके बाकी और जगहों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कर्नल कोठियाल एक साफ और ईमानदार छवि वाले शख्सियत है, और राजनीति की काल कोठरी में क्या आपको लगता है कि बेदाग रह पाएंगे? दाग बेदाग तो मेरे को पता नहीं क्या होता है, लेकिन गंगा मैया यहाँ पे बहती है, रोज जाकर के एक डुबकी मार लो और रोज अपने को करते रहो तो बेदाग तो रहने की मेरे को लगता नहीं है कोई बात होगी। और वो काल कोठरी अगर होती तो सारी दुनिया क्यों इस चीज के पीछे पड़ती, और अगर तरक्की के लिए इस फील्ड में जाने की जरूरत है तो इसमें ना दाग और बेदाग की फिर सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि आपको भी लगता है कि जिस तरह से एक कामयाब सैनिक रखी है, हमेशा आर्मी में अपनी सेवा दी है, राजनीति में भी उसी तरह से कामयाबी मिलेगी बेदाग होकर?
हमारा तो बैकग्राउंड ही है, जो आज हमारे देश के सबसे फेमस उत्तराखंड के रहने वाले जो अधिकारी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल सर, क्योंकि हम बहुत क्लोज भी हैं उनसे। एक बार उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया था जब मैं उनके पास गया था बहुत पहले, कि सर मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्हें पता चल गया था कि मैं क्या पूछने जा रहा हूँ राजनीति, और ये उन्होंने कहा मैं जो हूँ आज एक बहुत अच्छा वेद पुराण भागवत गीता जो धर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी रखता हूँ। मैं ना आज जो एक मिडिल एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके बड़े अलग अलग सवाल होते हैं, विचित्र से सवाल होते हैं, कहते हैं मैं उनको वेद पुराण पढ़ा सकता हूँ और विचित्र सवाल जो है उनका जवाब भी दे सकता हूँ जो कि उनको सेटिस्फैक्शन देगा। कहते हैं लेकिन आज ना मैं अगर ये काम करने शुरू कर दिया मैंने तो लोग हंसेंगे। कहते हैं मेरा बैकग्राउंड है एक IPS ऑफिसर, उसके बाद मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में गया, जासूसी पूरा मेरा हो रहा है। मेरे को ना मेन अपने फोकस इस पे रखना चाहिए, जासूसी पे, और साथ में जब टाइम मिले तो मेरे को वेद पुराण पढ़ाने भी जाना चाहिए। मेरे को उन्होंने बोला तेरे शरीर में गोलियां लग रखी हैं, तेरे को सारे जो अवार्ड होते हैं जिंदा रहते हैं वो तू इकलौता है जिसको मिल रखे हैं, तू पूरे टाइम तूने करा क्या है, एक बाई आँख बंद करके गोलियां चलाते रहा, आतंकवादियों से भिड़ता रहा, कभी उनसे मार खाता रहा। अगर ये सब तेरा बैकग्राउंड है और तू बोलेगा कि नमस्कार जी ये गुलदस्ता प्लीज़, मेरा एक महीने के लिए दिल्ली में ये कमरा हो गया है बुक, अब मेरे को प्लीज़ ज़रा समझो, कहेंगे लोग हंसेंगे तेरे पे। तू जो फौज का तेरा एक्सपीरियंस है उसे कर, और उसके साथ में राजनीति करके तरक्की की तरफ भी देख, पर मेन तरक्की जो है वो तो अपने एक्सपीरियंस को ग्राउंड पे लाने की कोशिश कर। उस तरीके से हम चलेंगे और मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा मॉडल पक्का बनेगा, खासकर उत्तराखंड में। अभी तक अभी जितनी चर्चा हमारी हुई है, आपने यंग जनरेशन पर बहुत फोकस किया, अभी भी आप बार बार युवाओं का जिक्र कर रही हैं, और हम देख भी रहे हैं कि आपने जब उस दिन ज्वाइनिंग के टाइम पर भी आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था, जिस टाइम पे युवाओं की बात कही, चाहे आपके सेना में रहते हुए मिशंस की बात हो या फिर आपने केदारनाथ पुनर्निर्माण से जब जुड़े रहे हैं, आपने हमेशा युवाओं को क्रेडिट दिया इन सब चीजों के लिए, इसके पीछे की क्या वजह है? मेरे को क्रेडिट ही युवाओं ने दिया है तो मैं उनको क्रेडिट क्यों नहीं दूंगा। आज मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है? एक युवा ले रही है मेरा इंटरव्यू, मेरा भी जज्बा बढ़ रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं कॉन्फिडेंस से जवाब दे पा रहा हूँ, तो इसमें युवाओं का तो कोई रोल मेरे को लगता नहीं है कि नहीं आना चाहिए। मैं भी तो कभी युवा था। आज मेरे को बोलते हैं यूथ आइकॉन, 52 साल उम्र है, क्यों बोलते होंगे? क्योंकि वो युवा ना मेरे को हर जज्बे के साथ में तब आगे खड़ा कर देते हैं जब वो काम को कामयाब बना के दिखा देते हैं। लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें उत्तराखंड की जनता को? मेरी मदद करना, मैं ये उत्तराखंड की जनता को जरूर बोलना चाहता हूँ। आज मैं कर्नल अजय कोठियाल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आदमी बन रखा हूँ, क्योंकि मेरे को बाबा केदार ने उस माहौल में जब 2013 की आपदा आई थी काम करने का मौका दिया, मेरे को विपरीत परिस्थिति में रिकंस्ट्रक्शन का एक टास्क मिला। उसमें मेरे को दिखा युवाओं की ताकत, उसमें मेरे को दिखा महिलाओं की युवाओं के ऊपर कंट्रोल, मेरे को दिखा एक्स सर्विस मैन एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज इनका कमांड एंड तरीका कैसे युवाओं को डायरेक्शन दे सके। बाबा ने मेरे को ये सिखाया है कि ये तीनों का अगर सही तरीके से एमलगेमेशन करा जा सके तो कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी काम करने का तरीका कभी नाकाम नहीं हो सकता। आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस चैलेंज में क्योंकि हमेशा मेरी मदद करी है सबने, ये मत सोचना कि मैंने क्या डिसीजन लिया है। पार्टी एक अच्छी पार्टी आ रखी है, अच्छे विचार वाला आपका ये अजय कोठियाल है, मदद की ज़रूरत है। मैं आज इस चीज़ के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और साथ में उम्मीद करता हूँ कि आदर्श उत्तराखंड बनाने में खाली कर्नल अजय कोठियाल नहीं, पूरी की पूरी उत्तराखंड की टीम एक साथ मिल करके आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और समय निकालने के लिए। तो आज पॉइंट टू पॉइंट में हमारे साथ खास मेहमान थे रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह का एक विजन है और मिशन है उत्तराखंड को लेकर, किस तरह का विचार वो रखते हैं, युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किन किन बातों की जरूरत इस समय उत्तराखंड को है, किस मकसद के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और 2022 में उनकी पार्टी किस तरह से अपना विजन लेकर चल रही है। तो फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट में मेरे साथ इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए HN 24/7, जुनून सच दिखाने का।